नमस्कार, आज कांकेर बाईपास में डीवीएम लेइंग का कार्य करने जा रहे हैं। डीवीएम लेइंग जो है हमारा ये प्राइम्ड सरफेस है, इसी के ऊपर करेंगे। इसके लिए हमने इस प्राइम्ड सरफेस को पूरी तरह से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद इस पे जो है लेइंग के पहले टैक कोट करेंगे। टैक कोट के बाद जो है इस पे डीवीएम लेइंग करेंगे। डीवीएम लेइंग का जो मेकनिज़्म है वो उसको समझेंगे आज हम। डीवीएम लेइंग करने के लिए हमने जो है सेंसर पेवर यूज किया है। सेंसर पेवर को चलाने के लिए हम पेक्स स्ट्रिंग दोनों यूज करना है, और पेक्स और स्ट्रिंग को कैसे सेट करते हैं उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। तो ये जो हमारा है कैरिज वे जिसमें डीवीएम लेइंग करना है, उससे बाहर लगभग आधा मीटर जो है, हाफ मीटर बाहर जो है, पेक्स को और स्ट्रिंग को हम फिट करेंगे। जो कि हम देख रहे हैं पेक्स लगे हुए हैं यहाँ वहाँ, ये रेगुलर इंटरवल 10 मीटर के रेगुलर इंटरवल के पेक्स है। ये स्ट्रिंग वायर है, ये वायर पे सेंसर पेवर का जो सेंसर है इस पे ऊपर चलेगा। इसके ऊपर हम लेवल दे देते हैं। तो लेवल जो है हमारा जो है एज पर एफआरएल के हिसाब से जो लेवल फिक्स होता है, जो भी डीवीएम का लेवल है वो इस पे मार्क करते हैं। लेकिन डीवीएम लेवल में चूंकि लूज थिकनेस यहाँ पे लेइंग होते समय तो लूज रहेगा, तो लूज के लिए लूज थिकनेस, जैसे मेरा यहाँ पे 100 का थिकनेस लूज 100 टोटल कॉम्पैक्टेड थिकनेस है, तो उसमें 30 प्लस करके और प्लस फ्री फॉल 300 mm और ऐड करके इसको 230 टोटल जो है इसका जो हाइट रखा गया है स्ट्रिंग का 230 mm रखा गया है। उसके हिसाब से जैसा जहाँ लेवल आएगा वो पेक्स पे मारा लगा दिया गया है। आप देखो यहाँ से वहाँ तक पेक्स लगभग हम लोग अभी 200 मीटर का पेक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और अब लेइंग करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेवल दे दिए हैं, लेइंग करने की तैयारी है। टैक पोट भी लगा दिए थे। हाइवा से डीवीएम मटेरियल प्लांट से आया है। इसमें ये हाइवा में लगभग 35 टन का जो है मटेरियल आता है। और ये पेक्स के बारे में मैंने बताया था, ये पेक्स जो है ये हमारा जो कैरिज वे का जो एज है उससे 500 mm बाहर लगाए हुए हैं पेक्स को, जिससे कि सेंसर पेवर हमारा इजली आसानी से चल सके, तो डिस्टर्ब ना हो। इसमें 35 टन माल आया है। ये पेवर है हमारा अपोलो का AP800 सेंसर पेवर, और इस पेवर का ये हॉपर है, ये चैन माउंटेड पेवर है। ये डीवीएम हमने कल किया था, आज उसके नेक्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। तो जहाँ पर डीवीएम कल समाप्त किए थे वहाँ पे एक लॉन्जिट्यूडिनल जॉइंट्स क्रॉस सेक्शनल यहाँ पे जॉइंट्स बनेगा। इस जॉइंट को पहले हमने क्या किया, कल के जो लेइंग किया था इसको वर्टिकल कट करते हैं, वर्टिकल कट करके यहाँ पे जॉइंट बनाते हैं। डीवीएम लेइंग स्टार्ट हो गया है। लेइंग स्टार्ट होते समय जो मटेरियल प्लांट से आया है उसका हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो लेइंग टेम्परेचर एज पर मोस्ट सेक्शन 500 150 डिग्री होना चाहिए। सेंसर पे तो हमने लेवल दे दिया है, लेइंग हो रहा है सेंसर के हिसाब से, लेकिन हम लूज थिकनेस जो हमने रखा है उसके लिए इससे हम ये गेज है इससे हम चेक करते रहते हैं। लूज थिकनेस में लूज थिकनेस हमने 130 रखा है। हमारा 100 का डीवीएम है, हमने लूज थिकनेस 130 रखा है। देख रहे हैं जो लगभग 130 ए आ रहा है। टैक कोड जो यूज किया गया है वो RS1 है, उसका जो IS कोड है वो 887 है, और रेट ऑफ स्प्रे ऑफ टैक कोड है 0.25-0.3 kg पर स्क्वायर मीटर। डीवीएम लेइंग का कार्यक्रम जो है ये हमारा आज का मतलब हमारा मोर्थ सेक्शन 500/505 के हिसाब से चल रहा है। हमारे यहाँ डीवीएम का थिकनेस 100 mm है। हमारे यहाँ ये डीवीएम जो है सेक्शन 500/505 के हिसाब से है, और वो उसका जो ग्रेडिंग का जो टेबल है 500.10 है, मोर सेक्शन 500.10 है। उस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा डीवीएम का जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है 37.5, इसमें जो सीट्स लगे हुए हैं इसका जो
फील एनालिसिस है वो है 45% 45 mm 100% पासिंग। तो पहला फील जो है 45 mm का है, उसके बाद 37.5 है, उसके बाद 26.5 है, उसके बाद 13.2 है, देन 4.75 है, 300 माइक्रॉन का एक्सपील है और लास्ट फील हमारा 75 माइक्रॉन का है। इस प्रकार से इसका सीव एनालिसिस करके जो मटेरियल हम लोगों ने इस पे बीम में जो सेट किया है वो है 40 से 24 एमएम का, 40 से 24 एमएम का परसेंटेज है 18% एंड देन 14 टू 24 एमएम है उसका परसेंटेज 14% है एंड अनदर जो है 6 टू 14% है उसका परसेंटेज जो हमारे यहाँ है वो 14% है एंड 6 टू 0 डस्ट जो है वो 52% है। इस मटेरियल में 2% मीडियम मिक्स में 2% फिलर मटेरियल यूज किया गया है जो कि इसी जो हमारा एग्रीगेट है इसी का डस्ट है। इसमें ऐसे सीमेंट और लाइम भी यूज़ करते हैं लेकिन मोर सेक्शन 500 के हिसाब से अब हम डस्ट को भी यूज कर सकते हैं। उसका कुछ टेस्ट है जो हम करके और उसको करते हैं। तो हमारे यहाँ डस्ट से डिजाइन किया गया है, जो डस्ट खुद जो मटेरियल यूज होता है उसी से डस्ट यूज होता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो एज पर टेबल 500.10 के हिसाब से जो ग्रेड वन डीजल है उसके लिए जो पिगमेंट कंटेंट यूज किया गया है वो मैक्सिमम को मिनिमम जो है 4% है। हमारे यहाँ जो डीवीएम का मिक्स डिजाइन हुआ है उसमें एग्रीगेट के हिसाब से जो एग्रीगेट यूज हो रहा है उसके हिसाब से जो बिटमिन कंटेंट बाइंडर कंटेंट लग रहा है वो है वेट ऑफ मिक्स का 4.25%। एग्रीगेट का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारा सेक्शन 500.8 के हिसाब से है जिसके लिए हम जो इसका AIV है AIV हमारा मैक्सिमम 27% है जो कि IS कोड 2386 के हिसाब से है और इसका इलोंगेशन एंड थिकनेस टेस्ट किया गया है जो कि IS कोड 2386 पार्ट 1 के हिसाब से है जो मैक्सिमम 35% है। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है जो एग्रीगेट यूज हो रहा है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन है एज पर IS 2386 पार्ट 3 के हिसाब से और मोर्स सेक्शन 500 टेबल 500.8 के हिसाब से 2% है। इसमें जो हमने जो इसका जो एग्रीगेट है इसका वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया है जो कि ASTO 283 के हिसाब से किया गया है, मिनिमम 80% होना चाहिए। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट जो कि बिटमिन कंटेंट का बिटमिन वेट ऑफ बिटमिन का 0.01% है। कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग वैल्यू इसका निकाला जाता है जो कि IS 6241 के हिसाब से करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मिक्स डिजाइन मिक्स होता है वो उसका टोटल 95% रिटर्न होना चाहिए। इसको उसके लिए उसको टेस्ट करते हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें काफ़ी टेस्ट हैं इसके जो डिजाइन मिक्स है उसके प्रॉपर्टीज़ का टेस्टिंग का जो है लैब टेस्ट के बारे में अगले बारे में। और इसका जो GMM हम निकाले हैं इसका जो कॉम्पेक्शन टेस्ट करेंगे उसके लिए हम इसका GMM निकालते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं जो कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हमारा 18% है और सोडियम सल्फेट के साथ 12% है। उसके लिए जो IS कोड यूज हुआ है 2386 पार्ट 5। DVM लेइंग करते समय रोलर का जो रोलिंग करने का जो तरीका है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रोलिंग करते समय हमेशा नॉर्मल एरिया में जहां पर केम्बर नॉर्मल केम्बर होता है वहां पर जो है हम एज से रोलिंग शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम ग्राउंड की ओर जाते हैं। एज से केम्बर उधर ग्राउंड की ओर जाते हैं लोअर टू हायर पोर्शन में जाते हैं। तो यहाँ से हम हमारा ये एज है इधर से हम हायर पोर्शन की ओर जाते हैं ये नॉर्मल एरिया में और जहाँ पर सुपर एलिवेशन होता है वहाँ अपोजिट सेंटर टू लोअर हायर टू लोअर की ओर आते हैं हमेशा। तो ये रोलिंग का तरीका है। रोलिंग जो है यहाँ पे 8 पास में करेंगे हम
रोलिंग जो है DBM की रोलिंग कंप्लीट 8 पासेस में होगी। एक पास का मतलब 1 जाना और 1 आना। रोलर की स्पीड को हम देखते हैं, रोलर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो रोलिंग करते समय रोलर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती है, वो भी हम ध्यान रखते हैं। रोलिंग करते समय रोलर जो है एक पास के बाद जब दूसरे लैप में जाता है तो वो वहाँ पर पहले लैप को 1/3 कवर करता है, यानी एक लैप के बाद दूसरे लैप को भी 1/3 कवर करते हुए रोलिंग करते हुए जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे वो एस से सेंटर की ओर जाएगा। बीच बीच में हम लेवल चेंज करते हैं जिससे कि हमारा जो DBM का जो टॉलरेंस लेवल है एज पर मोड सेक्शन 500 एंड हमारा जो सेक्शन 900 है उसके हिसाब से DBM का जो टॉलरेंस लेवल है वो प्लस माइनस 6 mm है। रोलिंग का जो है पहला पास जो होता है प्लेन पास होता है, दूसरा पास भी प्लेन पास होता है, तीसरा पास में हम मीडियम वाइब्रेशन देते हैं, चौथे पास में थोड़ा हाई वाइब्रेशन देते हैं और पांचवा पास उसका फुल वाइब्रेट होता है, छठा पास वापस जो है लो मीडियम वाइब्रेशन देते हैं, सातवां पास जो है लो मीडियम वाइब्रेशन देते हैं और आठवां पास जो है फिर प्लेन पास करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो रोलिंग का प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। मिक्स जो प्लांट से चला, प्लांट में मिक्सिंग करते समय हम जो एग्रीगेट का टेम्परेचर है वो चेक करते हैं। एग्रीगेट का टेम्परेचर वहाँ पे ऑटोमेटिक प्लांट है पूरा और उसमें जो है उसका टेम्परेचर मीटर सब लगा हुआ रहता है, उसमें एग्रीगेट का टेम्परेचर 162-175 डिग्री होना चाहिए। बिटवीन का जो टेम्परेचर है वो 162-170 होता है और जब दो मिक्स होता है मिक्स का जो टेम्परेचर होता है 162-170 होता है। ये मिक्स जब प्लांट से चलता है उसके बाद जब हमारा साइड पर पहुँचता है यहाँ पर इसका टेम्परेचर लेंग टेम्परेचर इसको बोलते हैं वो 150 डिग्री होता है और रोलिंग करते समय इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री होना चाहिए, जो कि हम बराबर इंटरवल पे चेक करते रहते हैं। DBM में जो बिटमिन यूज किया गया है वो हमारे यहाँ EG40 है, जो कि IRC 37 के हिसाब से जहाँ भी जिस भी रोड का जिस भी जहाँ पर भी MSA 20 से ज़्यादा होता है उस MSA के लिए EG40 यूज किया जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर है जहाँ पर भी टेम्परेचर जो है रेगुलर टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव होता है वहाँ पर EG40 का यूज होता है। मेन यहाँ पे MSA है हमारा जो कि मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हमारे यहाँ EG40 यूज किया गया है जो कि IS 73 के हिसाब से है। लेइंग में जो रोलर यूज हो रहा है उस रोलर का जो वेट है ये हम पहले चेक कर लेते हैं। रोलर का वेट एज पर मोर सेक्शन 500 के हिसाब से रोलर जो है 8 to 10 का स्टैटिक वेट होना चाहिए। अगर वो वेट नहीं होता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा वेट रख करके उसके वेट को 10 टन 10 टन का हम बनाते हैं और ये बराबर हम चेक भी करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कॉम्पेक्शन के लिए है। रोलर का सही वेट नहीं होने से कॉम्पेक्शन इसका नहीं होगा। हमारे यहाँ जो DBM यूज हो रहा है ये इसका जो कॉम्पेक्शन के लिए इसके GMM किए हैं, थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि हमारे यहाँ जो DBM मटेरियल है उसका 2.502 है। इस प्रकार हमने आज जो है DBM लेइंग के बारे में सिस्टमेटिक चर्चा किया। इसी ये DBM लेइंग का पूरा प्रोसेस यही है और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है DBM मिक्स की वो हम लैब में टेस्ट करेंगे और उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार आप फिर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।